अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पल्लवी आंटी, आंटी, अरे कहाँ गए सब लोग यार? अरे भाई कहाँ है तू? भाई मैं ना अभी कुछ दिनों के लिए ना अक्षय के घर पे रहूंगा, प्लीज। पर भाई सब ठीक है ना? मतलब यू आर साउंडिंग वेरी टेंस्ड। भाई तू यही तो चाहता था, तुझे खुश होना चाहिए यार कि तू वहाँ टंडन हाउस में, यार वहीं तो रुकना चाहता था तू। हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड, मुझे खुश होना चाहिए था, बट मैं ना थोड़ी सी टेंशन में हूँ। मैं मीका के लिए टेंशन में हूँ यार। मीका की? देख मीका को मुझसे प्यार हो गया है और ये बात मुझे उसकी आंखों में देख के पता चल रही है। वो मेरी आरती कर रही है यार। और ट्रस्ट मी, मैं ना समझ जाता हूँ कि कब कौन दिखावा कर रहा है और किसको एक्चुअली प्यार हो रहा है। और मीका को मुझसे प्यार हो रहा है। इसका मतलब मीका तो वो अभी दिखावा नहीं कर रही है, वो सच में मुझसे प्यार करने लगी है यार। मैंने देखा वो मेरा स्वागत कर रही थी अपनी पूरी फैमिली के सामने। सिर्फ फैमिली को दिखाने के लिए नहीं, दिल से स्वागत। हाँ स्वागत, स्वागत भी नहीं यार, वो मेरा गृह प्रवेश करा रही थी, लाइक अ प्रॉपर गृह प्रवेश। क्या कह रहा है यार रणबीर? देख आर्यन, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। और ये अभी इतनी बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ट्रस्ट मी। भाई 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 तू मेरी बात सुन, तेरे को ना बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और तू जिस काम के लिए गया है बस प्लीज उस पे फोकस कर ले यार, तू सिर्फ उसी के बारे में सोच। देख तू प्राची के लिए गया है ना वहाँ पे, तो प्राची को संभालना यार, सिर्फ प्राची के बारे में सोच, इन सब चीजों में ध्यान मत दे। और हो गया होगा यार मीका को तुझसे प्यार, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वैसा वाला प्यार नहीं है, इसकी शुरुआत हुई है, ये कोई जीने मरने वाला या सात जन्मों का प्यार नहीं है। तो इन चीजों पे ध्यान मत दे, तू जो काम करने गया प्लीज प्राची पे फोकस कर ले यार, उस पे ध्यान दे। अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं उसको किसी भी किस्म का दर्द नहीं देना चाहता, ट्रस्ट मी। और तू जानता है मैं कैसा हूँ यार, वो बेचारी बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ कुछ बुरा करने की सोचना भी नहीं चाहता, करना तो बहुत दूर की बात है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अब क्या करेगा तू? इससे पहले मीका के दिल में मेरा प्यार और गहरा हो, मुझे यहाँ से प्राची को लेकर निकलना है, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट। बस मीका को बुरा नहीं लगना चाहिए यार। अरे नहीं यार रणबीर, तेरे को बिल्कुल बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, तू क्यों गिल्ट ट्रिप में जा रहा है? देख अभी तूने ही बोला ना कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है, तू ऐसा इंसान नहीं है, ऐसा नहीं करता है। बस तो फिर यार, पर मीका क्या फील करती है, महसूस करती है, सब सोचने की जरूरत नहीं है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जरूरी पता है क्या है? जरूरी है तेरा सोचना कि अक्षय अभी क्या करेगा, क्योंकि जो तूने उसके साथ रात को किया है ना, उसके बाद भाई वो चुप बैठने वाला नहीं है, तू जानता है उसको। क्यों, कितना चालाक है? तो वो 100% प्लान बना रहा होगा, एंड आई एम श्योर वो नेक्स्ट अटैक की तैयारी कर रहा होगा। तो भाई तू कर क्या रहा है? तू भी सोच लेना क्या करना है नेक्स्ट, तू भी अपना प्लान बना लेना और प्लान कर ले उसको धोने का। रणबीर मैं तेरे को कॉल करता हूं। ठीक है, कोई नहीं, जो कर सकता है अक्षय कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसको पता भी चल जाए कि एक्चुअली असलियत क्या है, मुझे इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आर्यन ने सही कहा, अक्षय चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो मुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार वो कुछ बहुत बुरा या कुछ बहुत बड़ा करेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।